नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे राहुल गांधी की। इस वक्त राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के चलते यहां पर अब बीजेपी पर ताने मारते हुए नजर आए। हमने देखा कि जब से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में थे, यहां पर बीजेपी लगातार कांग्रेस पर आरोप प्रत्यारोप कर रही थी, लेकिन अब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा से थोड़ा सा स्पेस लेकर आए और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, बीजेपी को लेकर, आरएसएस को लेकर बहुत कुछ सुनाया और यहाँ पर उन पर गंभीर आरोप भी लगाए। आपको बता दें, जिस तरह से कांग्रेस में इस वक्त हल्ला मोल बचा हुआ है, जहां कांग्रेस के चुनाव जहां गुजरात चुनाव इस वक्त सर पर है, जहां गुजरात में चुनावों का दौर जारी है, उन चुनावों के बीच बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अन्य कई पार्टियां यहां पर जोरों शोरों से तैयारियों में लगी हुई हैं, तो उसी बीच राहुल गांधी आते हैं और बीजेपी की पोल खोलने की कोशिश करते हैं कि 8 सालों से यहां पर बीजेपी ने क्या किया है, 8 सालों से बीजेपी आरएसएस कितना परेशान लोगों को कर रही है। बेरोजगारी देखिए, यहाँ पर रोजगार नहीं है, खाने को नहीं है, रक्षा सुरक्षा, लड़कियों की सुरक्षा, बहुत सारी चीजों को लेकर आरोप लगाए। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि बीजेपी उससे पहले ही हिमाचल प्रदेश जाकर कांग्रेस पर आरोप लगा चुकी थी कि पिछले सालों में कांग्रेस ने यहाँ पर क्या किया है वो दिखा दीजिए। अब यहां पर राहुल गांधी का जो पलटवार आया है इस वक्त बीजेपी पर, यहां समझ आ रहा है कि बीजेपी ने क्या कुछ किया है या क्या नहीं। ये बहुत जरूरी था लोगों के सामने सच्चाई आना कि कौन सी पार्टी क्या कर रही है और साथ ही किस तरह से उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। फिलहाल जिस तरह से राहुल का आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं, तो वही बीजेपी का पलटवार जारी है। बीजेपी पलटवार इस मुद्दे पे करती है कि कांग्रेस अभी तक अपने राजस्थान की सरकार को नहीं बचा पा रही है। राजस्थान की सरकार जो है वो डूबती हुई दिखाई दे रही है। इस वक्त कांग्रेस के पास सिर्फ 2 राज्यों में सरकार है, लेकिन उन 2 राज्यों में ही उनकी जो सरकार टिकी हुई है वो कहीं ना कहीं काफी कमजोर है। पंजाब में काफी कमजोर हो गई थी, आम आदमी पार्टी ने वहां पर अपना डेरा डाल दिया। हिमाचल प्रदेश में कोशिश की आम आदमी पार्टी ने, कोशिश की फिर बीजेपी गई। अब गुजरात में आम आदमी पार्टी कोशिश कर रही है, अब कांग्रेस भी वहां पहुंच गई है और बीजेपी तो पूरे कॉन्फिडेंस में कि हमारी ही जीत वहां पर होगी। चुनावों का दौर जारी है, लेकिन दिसंबर में बहुत जल्द इसका ऐलान भी हो जाएगा कि आखिर कौन सी सरकार वहां पर बनेगी, किसकी सरकार वहां पर बनेगी, जनता किसको सपोर्ट करती है। यहां पर जिस तरह से आपको बता दें, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं, तो उसी बीच भी सवाल उठता है कि यहां पर जो है राजस्थान का सीएम कौन बनेगा, राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि यहां पर 2 शख्स हैं, यहां पर 2 मंत्री हैं, सीएम अशोक गहलोत और साथ में सचिन पायलट। सचिन पायलट इच्छा रखते हैं काफी सालों से कि वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन अशोक गहलोत कभी नहीं चाहते। यहां पर यह भी बात सामने आई कि मल्लिकार्जुन खड़गे के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते ही सचिन पायलट ने उन्हें बधाइयां दी और कहीं ना कहीं अपनी सियासी रोटी सेकने की कोशिश की। वहीं यह भी समझ आया कि अशोक गहलोत ने उसके बाद कुछ इस तरह की तैयारी कर ली कि यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे सचिन पायलट को नहीं बल्कि फिर से अशोक गहलोत को वो मौका दे सकते हैं। यहाँ पर अभी तक राजस्थान की ये चीजें नहीं सुलझी, उसको लेकर यहाँ पर बीजेपी आरोप लगाती है कि वो और राज्यों में कहाँ वो अपनी सीटें देखेंगी और राज्यों में वो कहाँ अपनी सरकार बनाएंगी, जब उन्हें राजस्थान में ही अभी तक कुछ सुलझा ही नहीं है, राजस्थान का मामला नहीं सुलझा, बाकी और राज्यों में अपनी सरकार कैसे बनाएगी। आपको बता दें, कांग्रेस इस वक्त चैलेंज तो दे रही है कि सरकार बनाएंगे अपनी, गुजरात में सरकार बनाएंगे, हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाएंगे, लेकिन कहीं भी बनाने के लिए ना उनके पास कोई अच्छा नेता बचा है, ना कोई अच्छा इस तरह से प्रचार प्रसार करने के लिए कोई चीज बची जिससे वो कर सके, क्योंकि फिलहाल जो मीडिया प्रभारी वहां प्रियंका गांधी वहां पर पहुंची थी, उन्होंने भी बहुत कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन कुछ खास असर नहीं पड़ा। इसी बीच आ रहे आपको वीडियो दिखाएंगे जहां बीजेपी और आरएसएस पर किस तरह आरोप लगाया राहुल गांधी ने और क्या कुछ कहा है वो आपको दिखाना चाहेंगे, देखिए वीडियो। वनवासी का मतलब नहीं, आप गांव में नहीं रह सकते, आप शहरों में नहीं रह सकते, आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकते, आप हवाई जहाज में नहीं उड़ सकते, आपको तो बस जंगल में रहना है। अभी ठहरिए, ताली मत बजाइए। अब देखिए, अगर आप हिंदुस्तान 1000 साल पहले आते, 3000 साल पहले आते, तो पूरा हिंदुस्तान जंगल था। 50 साल पहले आप हिंदुस्तान को देखते,
काफी जंगल थे, और आज आप हिंदुस्तान को देखते हो जंगल कम होता जा रहा है। सही बात गलत बात? सही है। और आज से 20 30 40 साल बाद जंगल आपको दिखेगा ही नहीं, गायब हो जाएगा। तो ये आपसे ये कह रहे हैं कि आपको कोई हक नहीं मिलना चाहिए। जब जंगल गायब हो जाएगा तो वनवासी का कोई हक नहीं बचेगा, यह है इनका मतलब। ये आपसे कह रहे हैं कि यह जमीन आपकी नहीं है और आपकी कभी नहीं रही और कभी नहीं होगी। आप तो जंगल के हो, हम कह रहे हैं कि आप ओरिजिनल मालिक हो, यह पूरा देश आपका था। और आपसे यह देश लिया गया, तो अगर आपसे यह देश लिया गया तो आपको कुछ देना भी है। क्या देना है? आपके हक देने हैं, शिक्षा देनी है, स्वास्थ्य देना है, और देश का जो धन है उसका भाग आपको देना है। सही बोला ना? तो पहली बात यह है। फिर आदिवासियों की, दलितों की, पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों की कैसे मदद होती है, कैसे रक्षा होती है हिंदुस्तान में? यहां पे युवाएं बताओ, सबसे बड़ा आपकी रक्षा कौन सी चीज करती है? ये देखो संविधान, सब जानते हैं संविधान किसने बनाया? बाबा साहेब अंबेडकर जी ने बनाया, कांग्रेस पार्टी ने उनके साथ मिलकर बनाया। उस समय बीजेपी के नेताओं ने क्या कहा? संविधान की कोई जरूरत नहीं है, संविधान बेकार चीज है। और ये हर रोज संविधान पे आक्रमण करते हैं 24 घंटा, क्योंकि ये इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि इस देश में दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, गरीबों को हक मिलना चाहिए। मानने को तैयार नहीं है। तो आपसे शिक्षा छीनेंगे, स्वास्थ्य छीनेंगे, जो पब्लिक सेक्टर होता था उसको बंद करेंगे। मुझे आप बताओ, आपके जो बच्चे हैं प्राइवेट स्कूल में पैसा दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते ना। तो अगर सरकारी स्कूल सब बंद कर दिए जाएं तो आपके बच्चों का क्या होगा? पढ़ नहीं पाएंगे, अनपढ़ रहेंगे। फायदा किसका? बीजेपी का। तो वो शिक्षा के सिस्टम पे आक्रमण करते हैं। अच्छा, जो प्राइवेट अस्पताल होता है, किसी को दिल का दौरा पड़ता है, कैंसर हो जाता है, सबको होता है, आपके लोग उसमें जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। तो अगर सरकारी अस्पताल सब बंद कर दिए और पूरा का पूरा प्राइवेट कर दिया तो नुकसान किसका? गरीबों का, आदिवासियों का, दलितों का, पिछड़ों का। जहां भी ये राज करते हैं आप देख लीजिए, शिक्षा के सिस्टम को प्राइवेट हाथों में दे देते हैं, अस्पतालों को प्राइवेटाइज कर देते हैं। अच्छा, तीसरा रास्ता जिसको हम पब्लिक सेक्टर कहते हैं, पब्लिक सेक्टर में आपके लोग जा सकते हैं। सारी की सारी पब्लिक सेक्टर की कंपनियां ये प्राइवेटाइज कर रहे हैं, अपने ही दो तीन
मित्रों को दे रहे हैं। तो रोजगार का रास्ता बंद, शिक्षा का रास्ता बंद, बीमार हुए तो अस्पताल बंद, और फिर आपसे कहते हैं भैया देखो हिंदुस्तान की बात मत करो, आप लोग वनवासी हो, बात करनी है तो जंगल की करो। जंगल में हक किसने दिया? कांग्रेस पार्टी ने दिया। फॉरेस्ट राइट एक्ट और पैसा कौन लाए? कांग्रेस पार्टी लाई। और बीजेपी क्या कर रही है? आपको कहती है आप वनवासी हो, और फिर जो आपका हक बनता है वो भी छीन लेती है। ये सिर्फ आप पर आक्रमण नहीं है, देश पर है। मगर ये जो बिरसा, ये भैया थोड़ा झंडा हिलाओ जरा, मुझे ये दिखे, ये जो बिरसा मुंडा जी हैं, इन पर ये आक्रमण कर रहे हैं, इनका अपमान हो रहा है। तो सबसे जरूरी बात संविधान की रक्षा, आदिवासियों को शिक्षा, उनके हक, उनकी जमीन, इससे बिना आपका काम नहीं होने वाला है। और यह लड़ाई सिर्फ कांग्रेस पार्टी लड़ती है। और मैं यह भी कह देता हूं, स्टेज से कह देता हूं, कांग्रेस पार्टी लड़ती है मगर और मजबूती से लड़नी चाहिए। यह मैं आपसे कहना चाह रहा था। आखिरी बात देखिए, बिरसा मुंडा जी, भगवान बिरसा मुंडा जी 24 साल की आयु पे शहीद हो गए। अंग्रेजों ने उन्हें जमीन देने की कोशिश की, धन देने की कोशिश की, उनको खरीदने की कोशिश की। भगवान बिरसा मुंडा जी ने कहा नहीं, मुझे तुम्हारा धन नहीं चाहिए, मुझे जमीन नहीं चाहिए, मुझे खरीदा नहीं जा सकता, मुझे अपने लोगों को हक दिलवाना है। मतलब अंग्रेज उस टाइम के सुपर पावर थे, दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति थी, और 24 साल के बिरसा मुंडा जी ने उनका मुकाबला किया और एक इंच पीछे नहीं हटे और उनकी हत्या कर दी, उनको शहीद कर दिया गया। ये आपके चिन्ह हैं, ये आपको रास्ता दिखाते हैं। अब देखिए बीजेपी के चिन्ह को देखिए, आरएसएस के चिन्ह को देखिए,